हो गया भाई गीता जी, बताइए क्या समस्या है। देखिए जंतर मंतर पर आज नया हम नहीं आए हैं जी। अटल जनशक्ति पार्टी 16 फरवरी 2022 से बैटरी रिक्शा वालों की समस्याओं को लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली, परिवहन आयोग दिल्ली, दिल्ली पुलिस आयुक्त, मतलब जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबका ध्यान आकर्षित करते आया है और उन्हें ज्ञापन देते हुए आया है। कितने दिन से ज्ञापन दे रहे हैं? 16 फरवरी 2022 से 2 साल बीत गए। हाँ, और सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया ना तो सारे रिक्शा वाले के साथ मतलब अन्याय करना चालू कर दिया, और जितना हमने मांग किया उतना अन्याय चालू किया। हाल में 18/9/2024 को भी इसी जंतर मंतर पर हमने मेमोरेंडम दिया था जिसका संज्ञान लिया कानून मंत्रालय ने भारत सरकार का। 9 अक्टूबर को उन्होंने आदेश जारी करके दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र दिया, भाई इनकी मांग को पूरी करो। और उसके बाद उस पत्र के बाद ये 5 नंबर वाले का आतंक और बढ़ गया और इसने एक गुंडा और पाल लिया है इंडियन मोटर्स को, जिसका कोई अधिसूचना जारी नहीं है, वैधानिक तौर पर कोई उसका रोल नहीं है। अब इन सभी बात में जब ये मीटर शनिवार को ये सामने आया, रोहित का एक रिक्शा पकड़ा बिल्विस्तान के साइड में, थाना देशबंधु गुप्ता रोड चौकी सिद्धिपुरा में, तो उसकी ओर से 112 कॉल हुआ, मेरी ओर से 112 कॉल हुआ। हमने रिक्शा छोड़ने की मांग की और हमने कहा अगर अब कोई हुआ तो हम इस 5 नंबर वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। और सिद्धिपुरा चौकी में 5 नंबर वाले स्टाफ जो सुनील है और अंकित है, इसके खिलाफ बाकायदा डीडी एंट्री करके मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन आज जो मैं इस जगह पर आया हूँ और जो मेमोरेंडम हमने दिया है, जो हमारे साथ सैकड़ों बैटरी रिक्शा वाले अपने घर से चल के आए थे यहाँ पर, और प्रशासनिक कुछ समस्याएं होने के नाते कुछ देर ठहरने के बाद वो लोग उनको वापस कह दिए जाने के लिए, वो चला गया। कुछ लोग हम लोग रुक गए मतलब बाकी कार्रवाई को पूरी करने के लिए। और आज जो एक पकड़ी ये देख रहे हैं, ये मेमोरेंडम है पूरा। आज दिनांक 21/10/24 को हाईकोर्ट दिल्ली के और उपराज्यपाल दिल्ली के द्वारा बैटरी रिक्शा वालों के खिलाफ जारी एक तरफा आदेश के विरुद्ध बतौर अपील ज्ञापन, जो एक तरफा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है और जो उपराज्यपाल ने जारी किया है, उसके खिलाफ हम चैलेंज करने आए हैं, अपील भी करने आए, चुनौती भी देने आए हैं। और इसके लिए हमने आदरणीय न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी, पुलिस कमिश्नर जी, इनको दिए। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ही लिखे हैं, चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर का अपील सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले हमने एड्रेस किया है आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को। इसके साथ हमने इसमें ये लिखा हुआ, देखिए ये मैं आपको बाद में विजुअल दूंगा, इसमें WPC 5764/2013 दिनांक 31/7/2014 दिल्ली हाईकोर्ट का एक तरफा ऑर्डर है। दूसरा CAS C 757/2014 दिनांक 30/5/2017 दिल्ली हाईकोर्ट का ये एक तरफा ऑर्डर है। इसके बाद एक है WPC 5109/2023, इसमें याचिका करता है अनिकेत सचदेवा बनाम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, और इस पर एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। एक याचिका शाहनवाज खान बनाम भीमसेन बसी व अन्य, याचिका संख्या 757/2014 में एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के पास पावर था संज्ञान लेने का, वो बैटरी रिक्शा वाले के किसी भी रहनुमा को, किसी भी उनके पक्ष को रखने वाले को बुलाता, बुला के पूछता, उसके बाद कोई आदेश जारी करता। ये हाईकोर्ट ने एक तरफा आदेश जारी करके न्याय के मुंह पर थप्पड़ मारा है, और इसलिए हमने आज उनकी सर पर जो बैटरी रिक्शा वालों के ऊपर आतंक हो रहा है, इसी आदेश के कारण, हाईकोर्ट के आदेश के कारण, उपराज्यपाल के आदेश के कारण ये आतंक मचा हुआ है।
तो आज मैं इस आदेश की चर पड़ी वार करने आया हूँ, अब मजबूत प्रहार करने आया हूँ। अटल जनशक्ति पार्टी अपने सभी साथियों के साथ इस पर मजबूत प्रहार ज्ञापन देने के लिए दे चुका हूँ। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल करूंगा और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बैटरी रिक्शा वालों का लड़ाई और आंदोलन रामलीला मैदान में 30/11/2024 को होने जा रहा है, जिसमें हमारी शक्ति परीक्षण भी होगी। अब हमारे अटल जनशक्ति पार्टी के माननीय आदरणीय सदस्य कहिए, प्रदेश के पदाधिकारी कहिए, अरविंद जी आपको अपनी बात रखेंगे। सदस्य संख्या कितनी है? देखिए मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो ज्यादा मुझे संख्या का नहीं मालूम, वो बम जी महाराज ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन मुझे मालूम है बम जी महाराज जो हैं, जो सामाजिक कार्य हैं उनमें सबसे आगे रहते हैं और जो गरीब कुचले हुए मजदूर वर्ग हैं उनकी समस्याओं में सबसे आगे रहते हैं। ये बहुत कई सालों से ई रिक्शा वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हक की आवाज उठा रहे हैं। चलिए ठीक है बम जी, ये बताइए कोर्ट कह रही है कि जिसका फिटनेस है सिर्फ 1 लाख वही चलेगा, इस पे क्या कहना है? देखिए अभी जो कोर्ट ने एक तरफा आदेश दिया है उस एक तरफा आदेश को आज ज्ञापन देकर हमने चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दिया है, अपील कर दिया है। कानूनी भाषा में अपील कहिए, राजनीतिक भाषा में चुनौती कहिए, वो हमने दे दिया है। फिटनेस में दिक्कत क्या, कराना क्यों नहीं? मेरी बात, फिटनेस तो उसका होगा ना जो मोटर वाहन में आएगा, और जिसका फिटनेस तो फिर जाएगा, और जो स्कूटी है बैटरी वाला स्कूटी उसका फिटनेस क्यों कराते हैं, उसका लाइसेंस क्यों नहीं लेते हैं, उनका हेलमेट क्यों नहीं देखते हैं, उनको क्यों नहीं मतलब उस पर कानून मोटर वाहन अधिनियम लागू होता है। बात यह है एक साथ दो कानून नहीं चलेगा, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, ये नहीं चलेगा। हालांकि जुडिशरी इस मामले में बदनाम है, जुडिशरी मतलब अहमियत को देख के, लोगों की जो अहमियत है उसको देख के फैसला करती है, गरीबों का जुडिशरी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो जुडिशरी भारत का गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कुचलों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए, प्रभुत्व वालों के लिए, सामर्थ्य वालों के लिए है, जिसके पास पहुंच है, परिवी है, पैसा है उनके लिए है, ये अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के लिए है, ये पीछे दबड़ा ऐसे लोगों के लिए है, ये जमानत पर जो राहुल और सोनिया है उसके ऐसे लोगों के लिए है, जिसकी जमानत कहां से मिलेगी? सुनिए, जिसका जमानत कैंसिल करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, न्याय मिलेगी यहीं से। जो जज इस मानसिकता के हैं उसको बदल के न्याय मिलेगी, और हमें चैलेंज दे रहा हूं सरकार को कि वो हमारी मांग को या तो स्वीकार करें इस ऑर्डर पर, हाईकोर्ट के एक तरफा आदेश पर स्टे दे, उपराज्यपाल के एक तरफा आदेश पर स्टे दे, और नहीं तो फिर उनको पूरी रद्द करें और नए सिरे से बैटरी वालों को पक्ष रखने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी को पक्ष बनाए, या फिर हम खुद याचिका डालने जा रहे हैं, हमारी याचिका को एक्सेप्ट करें, या हमारे मेमोरेंडम पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए आदेश जारी करें, हम जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से, मर्यादित तरीके से लड़ाई लड़कर बैटरी रिक्शा वालों को उनका हक दिलाएंगे, बैटरी रिक्शा को सरकार की कानूनी मान्यता दिलाएंगे, जो अवैध ये कह रहे हैं उसको वैध घोषित करेंगे, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो रिक्शा सिर्फ जबरदस्ती गलत तरीके से बंद किया गया, जब्त किया गया, उन्हें बगैर जुर्माना छुड़वाएंगे, और जो चाप दिया गया है उसका 10 लाख रुपए की मुआवजा इस उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से या परिवहन आयोग दिल्ली सरकार से दिलवाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं आम आदमी पार्टी ही आम आदमी पार्टी की कहलाने की हकदार है और उनकी हित रक्षक है, आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2012 से लेकर आज दिनांक 2024 तक का स्टेटमेंट, आप मीडिया वाले हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड है, उसको देखिए और उस पर फैसला कीजिए। ये व्यक्ति का नाम लेने में भी घृणा आती है, हकीकत में हम लोग अरविंद केजरीवाल का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं, घृणा महसूस करते हैं, आम आदमी पार्टी का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं, घृणा महसूस करते हैं, और इसको अयोग्य घोषित करने के लिए केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हमने चुनाव आयोग में याचिका फाइल कर रखा है, दिल्ली सरकार चुनाव आयोग में भी
और केंद्र सरकार चुनाव आयोग में भी आने वाले टाइम में हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे या हाईकोर्ट जाएंगे, ये पार्टी चुनाव के योग्य है ही नहीं और न रहेगी। लगातार कहती आई है कि हम हर एक पर आम आदमी पार्टी जो रही है वो आम मुद्दों को उठाती रही है और जब सत्ता में आई थी तब भी यही कही, आज जो स्थिति है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। सर इस पर मैं ये बोलूंगा, अब आपने बोला थोड़ा ही बोलना है तो उस मुद्दे पे मेन बंदे की जो प्रॉब्लम है वो फिटनेस की है, जैसे कि इसमें नो एंट्री लगी थी 2014 से, अब 2014 के बाद लोग रोड पे चढ़े, 16 में आके रोड पे चढ़ रहे हैं, नो एंट्री लग रही, किसी को तो पता ही नहीं था कि नो एंट्री किस रूट पे है किस रूट पे नहीं है। अब वहां पे बंदे चढ़े, रिक्शे वाले चढ़ते हैं नो एंट्री रूट पे, कहते हैं नो एंट्री, उस टाइम पे सर बोर्ड भी नहीं लगा था, बोर्ड नहीं लगा, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखा दिया, आरसी दिखाई, आरसी दिखा दी, उनका लाइसेंस आरसी भी रख लिया और सर उस दिन से लेकर आज तक वो नो एंट्री लगी है। अब वो बेचारे उस समय से लेके आज 5-6 साल हो गई और नो एंट्री के कारण रोड पर नहीं चढ़ पाए तो वो अपनी फिटनेस नहीं करा पाए। अब मेरा कहने का मेन मुद्दा सर ये है, जो रिक्शे वाला फिटनेस नहीं करा पाए इनको ज्यादा नहीं तो कम से कम साल या 2 साल का टाइम दे दें जिससे वो अपनी फिटनेस करा रहे हैं, और बिगन नंबर वाले का जो है उनको भी थोड़ा टाइम दिया जाए तो जिससे ये अपने रोड पे खुल के चल सके, और सर इनको एक नो एंट्री खोल के इनको एक लाइन दे दी जाए जिससे रिक्शे वाले चले और टाइम दे दिया जाए, सर इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। और फिटनेस जो है मेन असल में फिटनेस में ना पेनल्टी लगा रखी है, 50 रुपए पर डे की, किसी भाई की रिक्शा वाले की 2 साल से यदि एंट्री फिटनेस छुट्टी हुई है, आज वो फिटनेस करवाना चाहता है तो उसको 50 रुपए गुना में 365 गुना 365 लगभग 36,000 रुपए के करीब उसका 6 साल का जोड़ लो ये बन जाता है। अब वो उतने की रिक्शा है उतने की फिटनेस की पेनल्टी है तो वो गरीब आदमी कहाँ से करवाएगा, ज्यादातर अनपढ़ है, ये भी बातें नहीं। तो सर सुनो एक मिनट सर, ये डर डर के रोड पर चल ही नहीं रहे हैं, अब बंदा जा रहा है डर है भगया है बेचारा, काम तो कर रहा नहीं है, 100-200-300 ले गया उसका खर्चा नहीं है। ये जो ये सर दिल्ली में या देश में जो कोई भी गाड़ी चल रही है गलत तरीके से, वो चल नहीं रही है, उसको चलाया जा रहा है और चलाने वाले ये अधिकारी हैं, बीडीए वाले हैं, एमसीडी वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, ये सब। सबसे बड़ी बात यह है ये डिपार्टमेंट बैटरी रिक्शा वालों का धन भी लिया, धर्म भी लिया, इज्जत भी लिया और रिक्शा भी ले लिया, मतलब ये इतने बड़े लुटेरे हो गए जो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी इन रिक्शा वालों को धन भी लौटाएगा, धर्म भी लौटाएगा, इज्जत भी लौटाएगा, रिक्शा भी लौटाएगा और इनको सरकारी मान्यता दिलाकर इनको शान से जीवन जीने का हक भी दिलाएगा। अखिल भारतीय रिक्शा संघ जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद।